नमस्कार दोस्तों भाई लोग, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल तेजपाल में। दोस्तों तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर आ चुका है YouTube पर, मैंने उसको देख लिया है। भाई लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दो भाई, मैं होली खेल रहा था इसलिए मेरा सेटअप अभी सही नहीं है। बल्कि देखो मैं होली खेल के ही आया हूँ, बट चेहरा मैंने बचा के रखा क्योंकि मैंने टोपी और मास्क लगा के रखा था, क्योंकि लोग जानते हैं मुझे वीडियो बनाना है तो नहीं बढ़ाया अभी तक। लेकिन अभी मैं यहाँ से जाने के बाद, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद पूरा होली में रंगने वाला हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आज खेली जाती है। बट बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर देखने के बाद इतने कहूँगा, पूरा का पूरा भाई लोग टीजर आधा उठा के रख दिया इसमें, वो थोड़ी सी पिक्चर की और एक्स्ट्रा फुटेज जोड़ दिए भाई। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाएगा, 1.25 मिनट पूरा वही पेस्ट था, उसके अंदर कुछ और दिखा देते, इतना बड़ा ट्रेलर नहीं करते, 2 मिनट का ही ट्रेलर कर देते तो और अच्छा रहता। बट इसमें जो है रिवील कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है, बस एक मिशन है इन दोनों के पास में, एक ऐसा अनजान आदमी जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, बदला लेना। अब भाई जो कि लंदन में बैठा हुआ है वहाँ जाते हैं दोनों, मिशन करते हैं, जो कि रूल नहीं मानते हैं, दोनों दोस्त हैं आपस में, बढ़िया एक्शन करते हैं, बढ़िया मिस्ट्री बनती है उनकी, एक दूसरे से थोड़ी अनबन भी रहती है, एक दूसरे को एक दूसरे से बड़ा मानते रहते हैं, जो कि एक बढ़िया केमिस्ट्री है दोनों की। बट इसमें एक अच्छा मुझे कुछ लगा तो वो ये लगा कि इसमें दोनों को लास्ट में लड़ते हुए दिखाया गया, वो थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए था, क्योंकि उसके अंदर ये वो चीज़ देखना कि आपस में क्यों लड़े, वो क्या वजह पड़ गई कि वो आपस में लड़ने लगे। तो इसीलिए भाई मुझे थोड़ा सा ट्रेलर अच्छा लगा कि मूवी में शायद ये वाला सीन जो है बीच में कहीं पर हो, आपस में लड़ाई जो हुई है वो लास्ट में ना हो या शुरू में ना हो, क्योंकि वो 2 मिनट की लड़ाई देखने के बाद सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मिलने तो वाले ही हैं, पता है कि दोस्त हैं, तो उनका मिशन भाई अच्छा होने वाला है, जो कि लड़ाई देखने में अच्छा लग रहा है, जो एक अवेंजर्स टाइप की मूवी थी ना अभी, क्योंकि उसमें पूरा एक कवर सा दिखाया गया है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें गिर रही हैं, बट वो अत पर ही रुक जाती हैं, यानी मान लो एक अम्ब्रेला टाइप का जिसमें अपनी जगह को घेर कर रखा हो छतरी, तो वो थोड़ा अच्छा लगा कि नया नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। VFX जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है इसमें, दिख रहा था कि VFX भी अच्छा है, जहाँ बम्ब वगैरह फोड़े गए हैं आगे वगैरह सब कुछ सही दिख रहा है आप जो भी पिक्चर में हो, बट स्टोरी मज़ेदार होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टोरी का पूरा पूरा पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक जेन्युइन तरीके से कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ, वरना ये पिक्चर फ्लॉप होने वाली है। अली अब्बास की पिक्चर बाकी सब बहुत ही बढ़िया निकली, लेकिन ये पिक्चर भाई लोग मैं गारंटी देता हूँ फ्लॉप हो जाए, क्योंकि Tiger 3 जैसी निकलती है तो लग रही है इसको ट्रेलर देखने के बाद, अगर मूवी अच्छी निकलती तो 100% 500-600 करोड़ से ऊपर ये पिक्चर जाएगी, सुपर हिट रहेगी। भाई लोग इंतज़ार है, जय हिंद।